साथ भाई, आपकी ग्रीन टी और अंडे। साथ भाई, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। देखें, आप मेरे भाई की तरह, इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ। वो मैं आपकी ना बड़ी इज्जत करती हूँ, खुदा की कसम दिल से इज्जत करती हूँ। और मेरा ना कोई भाई नहीं है, और मैंने एक नज़म लिखी है भाई के उनवान पे, वो भी आप ही को दिमाग में रखकर सोची है। तो मैं चाह रही हूँ वो पहले सुना दूं, उसके बाद अपनी बात कह लूं। देखो नाजिया, सबसे पहली बात, जब मेरे माँ बाप ने एक ही बेटा पैदा किया तो मुझे कोई शौक नहीं कि मैं किसी भी रैंडम लड़के या लड़की को अपना भाई या अपनी बहन बना लूं। दूसरी बात, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे ये शेरो शायरी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, इसलिए जो बात है बताओ, पॉइंट पर आओ सीधा। कल मेरा रिश्ता आने वाला है। तो ये तो अच्छी खबर है, मसला क्या है? घर में किसी को पता नहीं है। तो मुझे क्यों बता रही हो? अम्मी को बताओ ना। मैं चाहती हूँ आप बताएं। मैं क्यों? मुझे डर लगता है। डर किससे? आपकी अम्मी से और दादाजी और अयाज साहब। अरे वो मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे, तुम्हें जिक्र ही नहीं किया। लड़का कौन? ये भी कोई बहनों से पूछने वाली बात होती है, मैं नहीं बता सकती। नाजिया, दोबारा बताऊंगा, हम भाई बहन नहीं है। ऐसे किसी ने पूछो कि माशरा बड़ा खराब है, किसी गलत लड़के के चक्कर में ना फंस जाना। तुम जानती नहीं हो आजकल के लड़के किस किस्म के होते हैं। अरे आप उसकी फिक्र ना करें ना, आप अपने अंडे खाएं और फिर मेरे साथ चलकर घर वालों से बात करें।